नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं निर्मोही यानी अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव महंत राम शरण दास जी। कुंभ में संतों को क्या दिक्कत आ रही है, क्या अव्यवस्था फैली हुई है, उसकी नाराजगी संतों में बहुत ज्यादा है, उसको व्यक्त कर रहे हैं राम शरण दास जी। अभी वर्तमान में कुंभ मेला की व्यवस्था बड़ी समस्यापूर्ण है। कल हम अपर मेलाधिकारी शर्मा जी से भी मिले थे, उनको मैंने यहाँ की समस्या से अवगत कराया। अभी मैं 13-14 नंबर सेक्टर में गया तो तमाम खालसे हैं, या तो उनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा शौचालय दिया ही नहीं गया, जिसको दिया गया तो ऐसे डिब्बे उनके पड़े हुए हैं, नल कनेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं। अगर कहीं नल लग भी गया है तो पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं, जो कीचड़ बनता है, साधु संत उसको लेके परेशान होते हैं। विद्युत सुविधा है उनके तरफ से मिलती है हमको, वो खुलेआम बेची जा रही है। हम लोग भी बहुत कुंभ कर चुके हैं, नासिक करते हैं, उज्जैन करते हैं। नासिक कुंभ में आप जाएंगे तो देखेंगे कि लेआउट बनाने के लिए, प्लाट तैयार करने के लिए हजारों करोड़ों तक महाराष्ट्र प्रशासन तो RCC गिट्टी बिछाता है, 6 इंच मोटी लेयर देता है। यहाँ कुंभ मेले में किसी खालसे में जो गड्ढा है उसको लेवल कराना है तो एक ट्रैक्टर या लेबल कराने के लिए लेबर भी मेरा प्रशासन मुहैया नहीं करा पाता है। यदि हम जाएं तो DM ADM से बात करें, उच्च अधिकारी से बात करें, फिर वो फोन करें तो कहो 4-6 दिन बाद आवे, और आने के बाद फिर उसको भी अलग से थोड़ा सा इनाम की आवश्यकता हो जाती है, फिर भी वो काम संतोषजनक नहीं हो पाता है। तो अभी तो हमारे मेला में जो व्यवस्था दी गई है शासन द्वारा, मैं बहुत चिंतित हूँ। योगी जी तक भी मैं अपनी बात पहुँचाया कि आपने इतनी मोटी ग्रांट मंजूर किया मेला व्यवस्था को उत्तम बनाने के लिए, अच्छा सुंदर बनाने के लिए, मेला अधिकारी को भी आपने नियुक्त कर रखा है। मैं मानता हूं कि अकेले योगी जी या मेला अधिकारी जी शौचालय लेटरिन लगाने को नहीं जाएंगे, परंतु जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया उस पर ये सुपरविजन क्यों नहीं करते हैं, उनकी ये देख रेख क्यों नहीं करते हैं, वो समय से काम नहीं करते हैं। मैं आपके समक्ष इस बात को रखता हूँ कि मेला अब मात्र 20 दिन का रह गया, हम लोग 3-4 महीने से यहाँ पड़े हैं। 10 फरवरी को हम अंतिम स्नान करेंगे और कुंभ मेला छोड़ के चले जाएंगे। अभी ना हमारी राउटी दुरुस्त है, ना तो शौचालय दुरुस्त है, ना नल की व्यवस्था दुरुस्त है, तो दुरुस्त कब करेंगे? क्या जब मेला बीत जाएगा? यदि मेला बीत जाने पर दुरुस्त करते हैं तो सरकार द्वारा जो अनुदान दिया गया उसका किस तरीके से उपभोग करेंगे, उसको कहाँ पे खर्च करेंगे? आपकी भी एक परिषद और ये होती है तो उनको भी, संतों की जो परिषद है बड़े, जो यहाँ अखाड़ा की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उनको आपने अवगत कराया है क्या इन सब? जी देखें, हम अखाड़ा परिषद हो, हम भी परिषद अखाड़ा परिषद में ही होते हैं, मेंबर होते हैं अखाड़ा परिषद के, महंत मंत्री सब मेंबर ही होते हैं। अब इस समस्या को हम उच्चाधिकारी तक कह तो सकते हैं, बता तो सकते हैं, साधु जीवन है कोई, हम उस पर अधिकार क्षेत्र अपना नहीं बना सकते, ना ही उनसे किसी प्रकार का मतलब दबाव बना सकते, रिक्वेस्ट कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमको इलाहाबाद कुंभ में भी 2013 कुंभ देखा मैंने, साथ देखा, पीछे भी बहुत कुंभ देखा, कभी इतनी बुरी व्यवस्था नहीं होती थी। पहला स्नान आते आते व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाया करती थी। अब की बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि पहला स्नान भी समाप्त हो गया, दूसरा स्थान 10 फरवरी को, तीसरा 4 फरवरी और 10 फरवरी, 10 फरवरी तक अंतिम स्नान हो जाना है, 20 दिन बचा है और अभी तक ये मेला प्रशासन व्यवस्था मुहैया नहीं करा पाया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात रखना चाहता हूँ कि योगी जी इस बात को समझे और इस पर विचार करें और मेला अधिकारी प्रशासन को निर्देशित करें कि अभी तक ये व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई, और हो पाती है तो कब तक हो पाती है, ये हम आपके माध्यम से अपनी बात योगी तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।